Namaste. I am Sudhatri Gaba, an intern at Western Zone Cultural Center. Western Zone Cultural Center, in collaboration with Shubhgroup Welfare Society, is delighted to present artists from various fields. Shubhgroup Welfare Society is a non-profit organization working for the welfare of people in terms of art, culture, dance, education, and many more. The art of magic is to create wonders. Today, we have a very special performance of a magician. His name is Sumit Kharbanda. He excels in magic. He is devoted into magic from past 20 years. Western Zone Cultural Center's initiative to bring multi-platforms is indeed laudable. Now let's sit back and move to his jadoo. Sumit Kharbanda is an illusionist, mentalist and a magician. He has worked in many event management companies in production and management team. He was the editor of Magic Magazine from 2005 till 2016. Sumit have organized many conferences and magic festivals in Delhi and has performed in numerous corporate companies in production launch events, social functions, family days for last 16 years. He has performed in number of TV shows as well and have been appreciated with awards by various organizations. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित खरबंदा और मैं आपको लिए चलता हूं जादू की दुनिया में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं मैजिक और इल्यूजन्स। तो शुरुआत करते हैं एक मजेदार शो की और लिए चलता हूं आपको जादू की दुनिया में। मेरे पास एक कपड़ा है और जादू में बहुत से रंगीन कपड़े इस्तेमाल होते हैं, तो आपके लिए खास मैं कपड़ा लेकर आया हूँ। है तो ये एक मैजिकल क्लॉथ और इसमें है खास बात कि ये इसमें है चार रंग। आप चार रंग देख सकते हैं, ब्लैक, रेड, येलो और ग्रीन। जी, ब्लैक, रेड, येलो और ग्रीन, चार रंग है इसमें। तो इन चार रंगों का क्या है जादू, आइए देखते हैं।
आपको दिखा रहा हूँ कुछ अमेजिंग, कुछ ऐसे एक्साइटिंग सा मैजिक जो आप फैमिली के साथ भी बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। आई एम श्योर आप अपनी फैमिली के साथ बैठे होंगे और देख रहे होंगे ये एक्साइटिंग से मैजिक, जिसमें है कलर और बहुत सारे ऐसे एक्ट्स जो आप घर पर भी अगर चाहें तो वो तैयार कर सकते हैं। मैं इसी बात से मुझे याद आया कि मैं आपको कुछ ना मैजिक सिखाऊंगा, मैं बिल्कुल आपको कुछ मैजिक सिखाऊंगा जो आप घर पर बैठे सामान से तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ खास ज़रूरत नहीं रहेगी। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट मैजिक, ये है एक रस्सी। आई एम श्योर रस्सी तो सबके घर में होती ही है, लेकिन एक खास बात यह है कि इसके बीच में एक नॉट लगी है, एक गांठ लगी है, आप देख सकते हैं एक नॉट है। इसके बीच में है एक नॉट। ऑर्डिनरी रस्सी, सफ़ेद रंग या किसी भी रंग की रस्सी आप लीजिए, साथ में उसके सेंटर में आप नॉट लगा दीजिए। इस नॉट का मैजिक ये है कि ये नॉट मूव करती है, चलती है, इस रस्सी पे चलेगी। जी हाँ, इस रस्सी पर चलती है। और वो कैसे चलेगी, देखिए इसको मैंने यहाँ से इस नॉट को मैंने पकड़ा और चलाता हुआ इसको मैं लेकर आ गया यहाँ पर, एक नॉट जो सेंटर में थी, मिडल ऑफ द रोप, वो चलती हुई साइड में आ गई है, देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल नॉट है लगी, जो अब सेंटर से मूव होकर मेरे लेफ्ट साइड पर आ गई है। अभी भी आपने मिस किया, ये जादू मिस किया, तो मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। देखिए ये एक रोप है जिसमें एक नॉट लगी है, वाइट रोप में नॉट। अब इसे फिर से मैं चलाता हूँ रोप के ऊपर, इस नॉट को मैं चला रहा हूँ, रोप के ऊपर। जी हाँ, देखिए यहां से चलती हुई ये रोप आ गई है, ये नॉट आ गई है यहां पर इस एंड में। लेकिन ये क्या, ये नॉट तो मेरे दाएं हाथ पर पहुंचते ही लाल रंग की हो चुकी है, कलर चेंज हो गया है। ये है सच में एक ऑर्डिनरी रोप।
जी दोस्तों, ये है मेरा एंड्रॉयड टैबलेट और बहुत सारे मैजिक मैं आईपैड और टैबलेट के साथ भी करता हूँ। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है, बहुत स्मार्ट हो गए हैं हमारे फ़ोन, टैबलेट्स और कंप्यूटर्स, लैपटॉप। तो क्यों ना कुछ एक मैजिक आपको इसका भी दिखाया जाए। मेरे पास यहाँ पर देख सकते हैं दो कार्स हैं, क्या दो कार्स हैं, ब्लू एंड ग्रीन, क्या तो ये आपस में लगा रही है रेस, ये लगा रही है आपस में रेस ऑन द रोड। इस टैबलेट को मैं रखता हूँ कुछ देर के लिए यहाँ पर और मैं आपको, जब तक कार रेस लगा रही है, मैं आपको कुछ प्लेइंग कार्ड्स दिखाता हूँ। बिलीव मी, इन दोनों का आपस में एक बहुत अच्छा कनेक्शन है, कार्ड्स और प्लेइंग कार्ड्स। ये मेरे हाथ में ऑर्डिनरी प्लेइंग कार्ड्स हैं, इनको अच्छे से मैं मिक्स भी कर लेता हूँ। वन मोर टाइम, राइट। तो कौन सा कार्ड कहाँ पर पहुंच गया, आई हैव नो आइडिया। मैं एक रैंडम कार्ड आपको दिखाता हूँ, एक रैंडम कार्ड, क्योंकि सभी कार्ड्स अलग हैं, एक मिक्स डेक है मेरे हाथ में, सभी कार्ड्स अलग हैं, लेकिन मैं आपको एक रैंडम कार्ड दिखाता हूँ कहीं से भी। मान लेते हैं ये कार्ड है, मैं ये कार्ड नहीं देखूंगा, बिल्कुल नहीं देखूंगा, लेकिन आप अपने माइंड में रखिए, दर्शक अपने माइंड में रख सकते हैं ये कार्ड, कि ये कार्ड कौन सा है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके, ये मैं देख लेता हूँ, आज भी थोड़ा क्लियर नहीं था, लाइट्स कुछ ज्यादा पड़ रही थी। देखिए सब कार्ड्स अलग हैं, एक रैंडम कार्ड आपके हाथ में आया, मुझे नहीं पता ये कार्ड कैसे आया आपके हाथ, आपके पास 52 में से एक कार्ड सिलेक्ट हुआ। हमारी कार्ड्स अभी तक, हमारी कार्ड्स अभी तक अपनी रोड पर चल रही हैं। ऑलराइट, सो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था मैं आपको कुछ एक मैजिक सिखाऊंगा, वो मैजिक क्या है। आप कोई भी एक पीले रंग का कपड़ा या कोई भी एक छोटा कपड़ा ले सकते हैं, किसी भी रंग का। खास बात इस रंग की ये है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये आपको जादू मैं दिखा रहा हूँ, उसके बाद सिखाऊंगा कि इसका जादू क्या है, क्योंकि इसको मैं डाल रहा हूँ अपने हाथ में और हाथ में जाने के बाद जादू करते ही, मेरी जादू की छड़ी से जादू घुमाते ही, ये छड़ी मंत्र बोलते ही बन जाएगा एक बॉल। ये सच में एक, देख सकते हैं मेरे हाथ में एक बॉल बन गया है, जो पीले रंग का कपड़ा था वो बन चुका है एक बॉल। ये मैं आपको मैजिक सिखाता हूँ, बिल्कुल बहुत आसान है ये जादू, मैं आपको सिखा देता हूँ कि ये मैजिक कैसे होगा। इसके लिए आपको चाहिए एक सेम कलर का कपड़ा और बॉल, और बॉल प्लास्टिक की हॉलो होनी चाहिए अंदर से, जिसके अंदर मैंने कपड़ा छुपाया है। देखिए इस बॉल को आप
कटर से कट कर सकते हैं या ब्लेड यूज करके आप कट कर सकते हैं और अपने हाथ में इस तरह से छुपाना है, इस तरीके से। जैसे हम मैं आमने सामने हम बैठे हैं तो आमने सामने हम देख रहे हैं, तो आपको बॉल नहीं दिखाना है क्योंकि बॉल मेरे इस हाथ में अंगूठे से मैंने पकड़ा है और इसी तरीके से मैं कपड़ा भी पकड़ लेता हूँ। हाँ, तो सबका अटेंशन, सबका ध्यान बॉल कपड़े की तरफ है। एक बात आप ध्यान रखिए, जिस रंग की भी आपको बॉल मिले उसी रंग का आप कपड़ा लीजिएगा। तो इसे मैं रखता हूँ सामने और डालता हूँ इसके अंदर स्लोली स्लोली वन बाय वन। तो ये इसके अंदर डालना है जो आपने किसी को नहीं दिखाना। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप कपड़ा दिखा रहे हैं किसी को इस तरीके से, देखिए आप, आपका हाथ ये बॉल रखने की वजह से गोलाई में आ रहा है, दूसरे हाथ को ऐसे मत पकड़िए, दोनों हाथ एक जैसे पकड़िए, जिसकी वजह से अटेंशन किसी का ध्यान नहीं जाएगा और किसी को डाउट नहीं होगा कि आपके हाथ में कुछ है। तो दोनों हाथ एक जैसे दिखने चाहिए। अब आप इसको रख सकते हैं अपने हाथ में और जहाँ भी आपने कट लगाया है उसके ऊपर आप अपना अंगूठे से छुपा सकते हैं। सच में एक बहुत इजी मैजिक है। जो भी मैजिक सीख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, अच्छी से प्रैक्टिस जरूर करिएगा शीशे के सामने, उसके बाद आप अपने दोस्तों को, फैमिली में पापा या मम्मी को दिखा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। हाँ, इससे आपकी खुद की पता चलेगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, खुद इसको इम्प्रूव कर सकते हैं आप। कम से कम 10 बार करके आप इम्प्रूव करिए, उसके बाद दोस्तों को दिखाइए। हाँ, ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं आपके लिए कुछ और भी एक्साइटिंग मैजिक लाया हूँ और वो है गूगल। या गूगल, गूगल ये कितना अच्छा हो अगर हम कुछ भी हम गूगल पर देखें। आजकल हम सभी लोग सर्फ करते हैं, सर्फिंग करते हैं, देखते हैं गूगल पे बहुत कुछ मिल रहा है, तो मैं क्यों ना यहाँ पर कुछ सर्फ करूं। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेनिस बॉल, बस वैसे ही एक माइंड में आया, इस पर क्लिक किया और ये बॉल बड़ी हो गई। हाँ, उम्मीद कर रहा हूँ आपको जादू तो अच्छा लग रहा होगा। साथ साथ मैं हूँ, अपना इंट्रोडक्शन भी दे दूँ कि मैं हूँ सुमित खरबंदा और मैजिक इल्यूजन्स के साथ साथ माइंड रीडिंग एक्ट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल तो टाइम की कमी है यहाँ पर, मेरे पास अभी क्विकली और कौन से एक्ट्स हैं आते हैं उन पर। ओके, नाउ लेट्स डू वन मोर कार्ड मैजिक। एक बार और कार्ड मैजिक, क्योंकि सभी जादूगरों के पास होते हैं कार्ड्स। ये 52 कार्ड्स जादूगर की बात मानते हैं, विश्वास करिए जादूगरों की बात मानते हैं और जैसा हम चाहे वैसा इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैं आपको एक रैंडम कार्ड देने वाला हूं, फिर से एक रैंडम कार्ड। तो ये सब कार्ड्स अलग है, मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ इस बार, तो मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा कि वो कार्ड कौन सा है। यहाँ पर हम रुके और ये मैं आपको कार्ड दिखा रहा हूँ। ओके, मैंने इसको अपनी पॉकेट में रख लिया। आप देख सकते हैं इसको, आपने देखने के बाद मेरी पॉकेट में है। और इस बार मैं ऑडियंस का, आपका माइंड रीड करने वाला हूं स्क्रीन के थ्रू। हाँ, ये कार्ड यहीं पर है सबकी नजरों के सामने, तो स्क्रीन पे माइंड रीड करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो कार्ड कौन सा है, आप दर्शकों का माइंड रीड करने के बाद। इसके लिए मेरे पास एक नोटपैड, इस नोटपैड पर मैं
वो कार्ड का चित्र बनाने वाला हूँ। जी हाँ, इस कार्ड का चित्र बनाऊंगा और आपको मैं दिखाता हूँ कि वो कौन सा कार्ड है। अच्छा, I'm done। ये मैंने रखा साइड पर, और ये कार्ड जो मेरी जेब में है ये मैंने बना दिया इसके ऊपर, हुक्म रानी, हुक्म की रानी। अब चेक करते हैं मेरी जेब में जो कार्ड है वो कौन सा है। आठ पान, मुझे लगता है शायद कोई गड़बड़ हुई है, पर कोई बात नहीं, मैं जल्दी से इसको ठीक करता हूँ। जादू में ये सब तो चलता रहता है, तो गलती तो नहीं थी ये, पर मुझे लगता है कि जब तक ये ड्राइंग आपको नहीं मैं दिखाता तब तक आपको कुछ मज़ा नहीं आता, क्योंकि कुछ इम्पॉसिबल होता है जादू, जो संभव नहीं होता उसी चीज़ को संभव कर देता है जादू। तो उम्मीद करता हूँ आपको जादू पसंद आया होगा। मैं हूँ सुमित खरबंदा, फिर मिलेंगे, और सोशल नेटवर्क साइट पर तो मैं हूँ ही, सोशल नेटवर्क हैंडल्स पर आप चाहें तो मुझसे वहां भी मिल सकते हैं। शुक्रिया, मैं हूं सुमित खरबंदा, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच सुमित खरबंदा जी, इट वॉज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग इट टिल दी एंड।